वर्गीकरण क्लास 11th जो सेकंड चैप्टर है उसके लेक्चर्स हैं और डिस्कस कर रहे थे इसको। यहाँ पर प्रोटिस्टा टॉपिक है, इसे पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में प्रोटिस्टा को आधा पढ़ा था और आधा इस लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। अब प्रोटिस्टा के अंदर जो संघ है इसमें क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेटा, यूग्लिनॉइड, अमीबॉइड, इसमें यूग्लिनॉइड के बाद में प्रोटोजोआ आ जाएगा या प्रोटोजोआ को बाद में लेते हैं। और इससे पहले अवपंक कवक, और इसके बाद में प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अमीबॉइड, फ्लैजिलेटा, सीलिएटा तथा स्पोरोजोआ आते हैं। इन तीन को तो पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेटा तथा यूग्लिनॉइड। इन्हें पिछले तीन लेक्चर, पिछला जो लेक्चर था उसमें इनको पढ़ लिया था। इस लेक्चर में इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और आज इस टॉपिक को, प्रोटिस्टा को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कवक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं अवपंक कवक की। अवपंक कवक जिन्हें स्लाइम मोल्ड कहते हैं, ये मृतोपजीवी हैं। मृतोपजीवी उन्हें कहते हैं जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को मृतोपजीवी कहा जाता है, जो मृत सड़े गले कार्मिक पदार्थों पर रहते हैं और उन्हीं से पोषण अपना प्राप्त करते हैं। जैसे स्वपोषी अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, परपोषी दूसरों से प्राप्त करता है। परपोषी में ही अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें एक कैटेगरी है मृतोपजीवी, जो मरे हुए पदार्थों से, कार्मिक पदार्थों से, अब वो चाहे पादप हो चाहे वो प्राणी हो, बस कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, मृत होना चाहिए, उनसे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अवपंक कवक इन्हें कहते हैं। जो अनुकूल परिस्थितियां होती है, अनुकूल परिस्थितियों में ये लंबी चौड़ी, कई फीट लंबी कॉलोनी बनाते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। बहुत लंबी एक कॉलोनी होती है इनकी, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, और ये अनुकूल परिस्थितियों में ही बनती है। विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु का निर्माण करते हैं तथा बिखर जाते हैं यहाँ वहाँ कहीं भी, और फिर ये बीजाणु जहाँ भी इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है उस स्थान पर फिर से ये वृद्धि करना शुरू कर देते हैं और अपने प्लाज्मोडियम, अपनी कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं। ये प्लाज्मोडियम वो नहीं है जो
मलेरिया में पड़ते हैं, मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम पड़ते हैं वो प्लाज्मोडियम या स्पोरोजुआ के अंदर आता है, इसका मेंबर है ये जो प्लाज्मोडियम है, ये उस प्लाज्मोडियम से इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ के अंदर सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं, प्राणी हैं जो चलते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं इधर से उधर, और ये परजीवी भी होते हैं। ये वैसे तो परपोषी हैं सारे, इनमें कोई भी स्वपोषी नहीं है, ये सभी परपोषी है। जो परपोषी हैं ये परजीवी भी हो सकते हैं और मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, स्व और स्वपोषी तो नहीं होंगे, लेकिन ये एक तरह से फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं परभक्षी, इनको कह सकते हैं अमीबॉइड। इसके अंदर चार अलग ग्रुप बनाए हैं, अमीबॉइड। अमीबॉइड के अंदर जो एग्जांपल आएगा वो होगा अमीबा। इसका एग्जांपल है अमीबा। ये अमीबा स्वच्छ जल में पाया जाता है, इस पर पेलिकल नहीं होती, कोई भी झिल्ली, कोशिका झिल्ली के ऊपर पेलिकल नहीं होती। जैसे सीलिएटा की अगर बात करें या यूग्लिनॉइड की बात करें तो इनके ऊपर एक पेलिकल पाई जाती है, प्रोटीन की एक आवरण होता है जिसके कारण इनका एक फिक्स शेप होता है, बट यहाँ पर अमीबा के ऊपर किसी तरह का कोई प्रोटीन का आवरण नहीं होता, इसलिए इनका शेप भी फिक्स नहीं होता है। ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, परभक्षी हैं, दूसरों का भक्षण करते हैं, दूसरे अपने छोटे जो बैक्टीरिया वगैरह उनको खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु कुछ अमीबा है जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये परजीवी है, ये मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। वैसे तो ये स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल अर्थात जो तालाब का पानी होता है उसमें पाए जाते हैं, और जब ये शरीर में जाते हैं तो ये इनके कारण डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। इनसे जो होने वाला रोग है उसका नाम है अमीबियासिस। अमीबियासिस में वही लक्षण है जो डायरिया में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा का एक एग्जाम्पल, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल जो दे रखा है, याद भी रखना है, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो रोग उत्पन्न करता है उसका नाम है निद्रालु व्याधि। इंग्लिश में इसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटा, इसके पास कशाप उपस्थित होता है, ये एक परजीवी है, रोग उत्पन्न करता है, इसका नाम है निद्रालु व्याधि। हमें नहीं होता, इसका कारण ये है कि ये अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमा डिजीज़ है, अफ्रीका में मिलती है और वहाँ पर लोगों में डिजीज़ हो रही है, होती है, और इसके जो लक्षण है वो सिंपल से कुछ लक्षण, जैसे इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो ये सारे कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो ट्रिपेनोसोमा के कारण डिजीज़ हो रही है, जिसका नाम है निद्रालु व्याधि। तीसरा है इसमें सीलिएटा। सीलिएटा नाम से पता चल रहा है, अमीबा जो है इनके पास कूटपाद मिलते हैं गमन के लिए, कूटपाद की संरचना, कूटपाद इनके आभासी पैर होते हैं। इसकी संरचना अगर वहाँ पढ़ते हैं जहाँ अमीबा को पढ़ा जाता है, या हम अमीबा की बात नहीं कर, अमीबा का स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, इसकी फंक्शनिंग की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ रहे, इसलिए ज़्यादा इसके डिस्कस नहीं करेंगे। फ्लैजिलेटा यानी कशाब उपस्थित, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कशाब उपस्थित सीलिएटा, इसका एग्जांपल पैरामीशियम परभक्षी है, ये रोग उत्पन्न नहीं करता, ना परजीवी है। इसमें पक्षमाभ उपस्थित होते हैं। कशाभ और पक्षमाभ दो बालों की तरह संरचना होती है, जैसे हमारे शरीर पर बाल होते हैं, परंतु अंतर यह है पक्षमाभ का नंबर ज़्यादा होता है, ज़्यादा का मतलब है अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं पास और छोटे होते हैं साइज में। जो कशाभ है, जो फ्लैजिला है, इनका नंबर कम होता है लेकिन काउंटेबल नंबर होता है, आप गिन सकते हैं उनको, लेकिन ये साइज में बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। लास्ट है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है,
और प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है। मलेरिया का नाम सभी ने सुना होगा। जो मलेरिया रोग है उसका रोग जनक, उसका पैथोजन प्लाज्मोडियम है। उसका रोग फैलाने वाला जो है, जो रोग वाहक है, वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम उपस्थित होता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर हमारा खून पीती है, उस समय वह अपनी लार को, उससे पहले, खून पीने से पहले अपनी लार को हमारे शरीर में मिक्स करती है, ब्लड में मिक्स करती है, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं है, खून जमे नहीं। और उस समय उसके सलाइवरी ग्लैंड में, उसकी लार ग्रंथियों में उपस्थित प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब यह प्रवेश करता है तो उसके बाद में यह हमारे शरीर में सबसे पहले लीवर में जाता है, यकृत में जाता है। उसके पश्चात जो हमारे RBC है उसको नष्ट करना शुरू करता है, उनसे पोषण प्राप्त करता है, तो साथ ही उनको नष्ट भी करता है। इससे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और सही समय पर उपचार न मिलने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये प्रोटिस्टा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फंजाई स्टार्ट करेंगे।